वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि नाम में आपने देखा होगा, थाईलैंड। तो ये हमारा सफर, ये मेरा भाई थाईलैंड। तो अभी हम लोग ट्रैवल करते वक्त हम आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे कैसे प्लान किया है, कैसे हमने बुकिंग्स किया है। ये मेरा पहला इंटरनेशनल टूर है, ये भाई ने तो बहुत किए बट हम लोगों ने मिलके प्लानिंग किया है। मज़ा आने वाला है और आपको हर एक एक जानकारी देंगे हम। बिल्कुल, इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बचत ट्रिप में कितना अच्छा काम करना है वो इस ट्रिप में पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा। बिल्कुल, तो लेट्स सी, मिलते हैं आगे। हाय गाइस, वी हैव डन द सिक्योरिटी चेकिंग एंड इमिग्रेशन। इमिग्रेशन तो बहुत ईजी था, उन्होंने बस पूछा कि वेयर आर यू ट्रैवलिंग, दैट्स इट। ये है लॉन्च, लॉयल्टी लॉन्च, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे खासियत ये है कि 2 रुपये में पूरा फुल पेट भर के खाना खा सकते हो तुम लोग। गाइज, ये कार्ड याद रखना, येस बैंक का एलिवेट कार्ड, ICICI का वेल्थ मैनेजमेंट कार्ड, AU बैंक का वेटा कार्ड, AU बैंक का वेटा कार्ड है, एंड सेकेंड है IDFC का। कौन सा है? सिग्नेचर। ये कार्ड याद रखना, मैं बताऊँगा आगे क्यों। टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेबिट कार्ड्स। बेसिकली आपको बैंक के साथ चेक करना पड़ेगा कि कौन से डेबिट कार्ड्स हैं। अच्छे क्वालिटी के कार्ड्स लें, सब मिलता है। बिल्कुल। ऑल्सो ऑन वीकेंड्स प्लीज कम अर्ली बिकॉज द लाउंज कैन गेट फुल एंड यू कांट सिट इन इट। वेरी कम्फर्टेबल सीट एंड यहाँ पे टाइम पास के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में तुमको तुम्हें मूवीज़ है, मूवीज़ अवेलेबल है। मूवीज़ में स्पाइडरमैन है, रिचर्ड, किंग रिचर्ड है, जोकर है। क्या है ये? तो कोई पाव लग रहा है। ये है रोस्टेड आलमंड। ओके, ये कोई वेजिटेबल्स है, ये है कोई केक, ये क्या है? ऑन बैंकॉक एयरपोर्ट, ये जो एरिया है वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के फॉर्म फिलअप करते हैं लोग, इमिग्रेशन फॉर्म। हम लोगों ने ऑलरेडी वीज़ा करके इंडिया से कर लिया था तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आगे एक करेंसी एक्सचेंज भी है जहाँ तुम अपना इंडियन रुपीज़ दे के करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये लाइन है वीज़ा ऑन अराइवल।
कि बड़ी लंबी लाइन है, हम लोग को तो लगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने तो कर लिया है। यह है करंसी एक्सचेंज काउंटर। तो हम लोगों ने गाइस वीज़ा ऑन अराइवल नहीं किया, हम लोगों ने पहले ही वीज़ा निकाल लिया था। और जो सजेशन यही है कि आप वीज़ा लेकर आएँ, कोई झंझट नहीं, 3,000 रुपये में बढ़िया वीज़ा। फिर कपल का जो है वो 6,000 रुपये में पड़ जाता है। और यही यहाँ पे 10,000 कपल कुछ नहीं करना है आपको। अगर नौकरी वाले नौकरी पेशे लोग हो, आप स्टेटमेंट लाना है, सैलरी स्लिप देना है, फॉर्म भरना है, एम्बेसी में जमा करना है, 5 दिन के अंदर वीज़ा आपके हाथ। वो टेंशन और वो जिद्दी भी नहीं कि इमिग्रेशन में कोई पूछ रहा है आपके पास क्या बात है, ये है वो है फलाना है, नथिंग कुछ नहीं। सीधा सीधा आपके पास सबका है, आपको आगे बढ़ते रहना है और आपको अपनी मंजिल की ओर चले जाना है। मुंबई में महालक्ष्मी में AFS ग्लोबल का बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोगों ने वीज़ा कराया था, जहाँ पे हम लोगों ने बस 3,000 पर पर्सन दिए थे। वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़, वहाँ पे एक्चुअली लोग ने क्या कोई आता ही नहीं करने के लिए। तो हम लोग तो जब मॉर्निंग में गए थे तो वहाँ पे हम पहले ही थे वहाँ पहुँचने वाले। तो अभी हमने बस फॉर्म फिलअप किया, हमारा पहला नंबर था, हम लोग गए 5 मिनट में, हमारा काम फिनिश, दैट्स इट। और हम लोग वहाँ से निकल के आ गए थे और 5 दिन में हमें वापस कलेक्ट करने के लिए बता गया था। हम लोगों ने वो कलेक्ट भी कर लिया था हमारा पासपोर्ट। सो दैट्स ऑल। एंड वी आर हियर फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या मिलता है, कुछ खाने के लिए देख रहे हैं। ओह माय गॉड। So this is going to be our journey partner for this next 6 days, and it's actually ये है मेरा रूम। आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसा थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग के दिखेंगे। ये भाई कौन है तुम लोग? ये है नज़ारा। We are in Taj Palace. अपने इंडिया का ताज नहीं है। And he is my bro, Mr. Puneet Arya. हमको चाय समोसे पराठे मिल गए हैं। Very good. चलो। So Indian food in Kurara. ये है डोरा, next डोरा। मालूम। तो ये है Indian food and यहाँ के rate. चाय पे discount देते भैया। देखो इंडियंस की आदत डिस्काउंट वाली तो जाएगी नहीं, बार्गेन तो हर जगह करेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत है तो यहाँ पे खाने की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जैसे मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स वगैरह भी है। तो चलो आज हमारा पहला दिन है, आज हम घूम रहे हैं क्राबी की सड़कों पर। अभी ये देखो यहाँ पे मद्रास कैफे, ये है इंडियन रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे तुम्हें डोसा इडली सब कुछ मिलता है। तो मिस्टर पुनीत, एक कोई सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो थाईलैंड में घूमने आए तो उनके लिए कोई सजेशन? पानी की बॉटल ज़रूर साथ लाइए, वरना बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। खाना यहाँ खाओगे और पानी कहीं और जाके पियोगे, समझा भाई साहब? तो गाइस हमने ये होटल बुक किया था, अवनी आवना फ्लिप क्राबी रिसोर्ट। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने यही क्यों चुना, बिकॉज हम लोगों ने आने से पहले बहुत स्टडी किया था। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रिप, तो यहाँ पे एक आवनांग करके स्ट्रिप है क्राबी में। आज हम क्राबी में रुके तो आवनांग एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब स्ट्रीट मार्केट,
सब टाइप के मार्केट्स अवेलेबल हैं एंड यहाँ पे सामने ही 100-200 मीटर्स पे बीच है, उस पर सर्च करके लिए होटल ढूंढा और हम लोगों ने बेसिकली हमने क्या किया कि देखा हमारे जो ट्रैवलर पार्टनर था हम लोगों ने उसको दो होटल्स बताया, एक राबिका ये अवनी एंड दूसरा एक जो मैं आगे बताऊँगा। एक चीज़ मैं टूर के बारे में बोलूँगा, हम लोगों ने पैकेज का तो तुम सबको बताया था, हमने कैसे किया है कि हम लोगों ने पहले ये डिसाइड किया कि होटल्स कौन से चूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने तो सबसे पहले देख लिया कि आओनांग एरिया जो है यहाँ पे रहना है, तो यहाँ के बेस्ट होटल सर्च किए एंड उसमें से दो प्रेफरेंस निकाले एंड फुकेट के भी जो एक बिग मार्केट सिटी वाला एरिया है वहाँ के भी होटल सर्च किए एंड वहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया होटल्स का एंड हमने दो प्रेफरेंस निकाल के हमने टूर्स वाले को दे दिए एंड जो बहुत सारे यूट्यूब से वीडियो देख रहे थे वहाँ पे ये देखा कि करना क्या है, एक्टिविटीज़ क्या करनी है, जैसे फिफी आइलैंड फोर आइलैंड टूर, वैसे एक्टिविटीज़ का हम लोगों ने खुद के लिए आइटिनरी बनाया एंड हम लोगों ने जो 6 दिन करना है वो सब हमारे हिसाब से हमने वो टूर वाले को दिया एंड उसको बोला कि ये होटल्स हैं एंड ये एक्टिविटीज़ हमें करनी है, उस हिसाब से पैकेज हमें करके दो। तो वो हमें अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं फ्लाइट टिकट का भी इंक्लूड, फ्लाइट टिकट हम लोगों ने खुद ही 2-2.5 महीने पहले बुक करी थी जो भी हमें बहुत चीप रेट्स में मिली, तो हमें पर कपल ऑलमोस्ट सब खर्चा मैं पकड़ के चलूँ तो 80,000 तक का खर्चा आया पूरे इसका। ऊपर का खर्चा जो है जो यहाँ पे अगर बाकी कुछ खाना पीना शॉपिंग वगैरह वो अलग से, बट 80,000 कॉस्ट हमें सब कुछ जिसमें ट्रैवलिंग प्राइवेट कार से ट्रांसफ़र एंड जो भी फिफी आइलैंड टूर वगैरह बाई स्पीड बोट वगैरह वो सब है वो चीज़ें।